अब तक आपने देखा कोर्ट का टाइम हो गया, चलो रे सब। हमारे को इतनी घबराहट हो रही, पता नहीं कोर्ट में क्या होगा। काले कपड़े पहन लो सब लोग, आज इस घर में मातम मनेगा। बोदार परिवार की इज्जत नीलाम करके आ गए लोग। कांग्रेचुलेशन, मिस्टर बियानी की लड़की से शादी कर रहे हैं। फिर चाहे तुम्हें लड़की पसंद हो या ना हो, लेकिन पैसे वाली तो है। आपके लिए चाइना रहने दीजिए, जो काम करने आए हैं उसे जल्दी से करके निपटाते हैं। ये लीजिए। अब आगे राम जी, शगुन की रस्म प्रारंभ करें। सबसे पहले लड़के की तरफ से आए हुए लोग शगुन देंगे। देखना, एक दिन ऐसी बहू लेके आऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। क्या नहीं चढ़ाऊंगी सगाई में उसे, नई नई साड़ियां, महंगे महंगे गहनों से ला दूंगी अपनी बहू को मैं। कल सगाई की रस्म है, शगुन की तैयारी तो करनी होगी ना। नहीं जीजी, मारे से ना होगा ये ढोंग। पर जो रस्म है उसे तो निभानी ही होगी। ठीक, निभाएंगे। काजल, मनीषा, तुम दोनों के पास जो भी सामान है जो इस्तेमाल ना किया वो ले आओ। और जीजी, मारे पास भी दो चार साड़ियां जो कभी इस्तेमाल नहीं किए वो ही सब दे देंगे, हो गई तैयारी। और सुनो, किसी भी सामान को सजाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम दोनों? जी छोटी माँ। ये जो कुछ भी हो रहा जीजी वो ठीक नहीं है, ये शादी नहीं समझौता है। बाबा,
सॉरी। सीताराम जी, अब आप भी अपनी तरफ से शगुन की रस्म पूरी कर दीजिए। देखिए, अभी सगाई के मुहूर्त के लिए आधे घंटे का समय शेष है, तो आप अपने संबंधियों को भोजन करा दीजिए। जी चलिए, भोजन तैयार है, सब लोग भोजन करते हैं। मुझे तो बड़ा ही तरस आ रहा है बेचारे विभोर भैया पर। अरे पहली बार तो उनके रिश्ते के लिए इतना अच्छा बायोडेटा बनाया था हम सब लोगों ने, पर लगता है उनकी किस्मत में यही लड़की लिखी थी। कितनी चालाकी से सीताराम जी ने हम सब लोगों को अपने जाल में फंसा। काजल चुप हो जाओ। बधाई हो सीताराम जी, आप तो अपने वादे के बड़े पक्के निकले। पूरे समाज के सामने आपने जो कहा था करके दिखाया। 10 दिनों के अंदर अपनी बेटी की शादी करके उसे विदा करना बड़ी बात है। मुबारक हो भाई। शुक्रिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, रिश्तों का बनना और टूटना उसके हाथ। ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। विभोर भैया, पिछले 6 सालों से आपको देख रही हूँ। आप अपनी पसंद और नापसंद कभी नहीं बदलते। जैसे ये जैकेट, आप इसको इसलिए नहीं पहनते क्योंकि ये आपको काटती है। 5 साल ऐसे ही रखी थी और आज आपने पहली बार पहनी और आधे घंटे में ही उतार दी। जब आप इस जैकेट को आधे घंटे से ज्यादा नहीं पहन पाए तो जिंदगी भर ऐसा रिश्ता कैसे निभाओगे भैया? आपको ये हमेशा तकलीफ देगा। अभी भी वक्त है, सोच लीजिए।
से यहाँ राधे आया तो सुबह लेके खाम खासी जिंदगी में जीने की वजह लेके खोया था समंदरों में तनहा सफीना मेरा साहिलों पे आया है तू जाने किस तरह लेके कुछ तो है तुझसे राबता कुछ तो है तुझसे राबता कैसे हम जाने हमें क्या तुझसे राबता अब क्या है कहना हमको है रहना जन्नते भुला कि तेरी बाहों में बना हो गया इससे तो फ्री हो गया लेकिन सारी जिंदगी जो तुम्हारे साथ कैद होने वाली है उससे फ्री कैसे हो क्या हुआ सी देखो दो साल पुराना Exactly. ये साड़ी ये जूते ये मेकअप उदास हमने सारा पुराना सामान भेज दिया ये आपको दिख नहीं रहा है क्या वो पूरी फैमिली इस रिश्ते से खुश नहीं है और आप उसी फैमिली में शादी करना चाहती है वाओ Disgusting. समझते क्या वो लोग अपने आप को पापा ने उन पे एहसान किया उन्होंने आप पर नहीं बस बहुत हो अब मैं जाके माँ को बोलने वाली हूँ कि हम ये शादी नहीं करने वाले That's it. दिव्या, तुम इससे कुछ नहीं कहोगे पर दी वाई दीदी आपको बुआ जी बुला रही हैं जल्दी आइए आई मेरे आने तक तुम यही रुकोगे और किसी से कुछ नहीं कहोगे क्या हुआ इतने गुस्से में क्यों और ये सामान इस तरह क्यों फैला है क्या बताऊं माँ दिव्या बताओ ना क्या हुआ चलिए ठीक है आपको भी दिखाती हूँ ये देखिए सारा सामान एंगेजमेंट पे दिया गया दी को सारा सामान एक एक चीज पुरानी डस्टबिन में फेंकने लायक और ये सब किसके लिए अपनी प्यारी बहू रीति के लिए नाइस ना माँ एक बात बताइए क्या एक लड़की की शादी उसकी जिंदगी उसकी खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में आके आप अपनी बेटी को किसी के साथ भी विदा कर दोगे अगर ऐसा ही था तो आपने दी को मुझे पढ़ाया लिखाया क्यों माँ ये दी की जिंदगी का सवाल है आई नो कि घर के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन पापा ही लेते हैं और आप हमेशा उनकी बात मानते हो पर आई एम सॉरी टू से इस बार वो गलत है एंड यू शुड स्टैंड बाय दैट मॉम बेटी रीति सिर्फ तुम्हारी बड़ी बहन नहीं वो हमारी बेटी भी और अगर तुम्हारे पापा को रीति की फिक्र नहीं होती तो राजीव जैसे लड़के से उसकी शादी करा देते आई डोंट थिंक सो मॉम
I don't think so कि विभोर किसी भी एंगल से दी के लायक है। I mean उन दोनों में एज डिफरेंस कितना है? यही सवाल मैंने भी तुम्हारे पापा से किया था। जानती हो उनका जवाब क्या था? इंदिरा मुझे ये बताओ कि कोई भी माता पिता अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढते समय क्या देखते? यही ना कि लड़का समझदार हो, जिम्मेदार हो, अच्छा इंसान। विभोर में ये तीनों खूबियां देखी हैं मैंने। सिर्फ उम्र में बड़ा होने से इंसान सम्मान का हकदार नहीं हो जाता, वरना राजीव तो रीति से उम्र में बड़ा था। क्या वो रीति के लायक था? हाँ, उस परिवार के साथ एक अतीत जरूर जुड़ा है, लेकिन इंदिरा ये क्यों नहीं सोचती कि रीति की शादी अगर किसी और परिवार में भी होती है तो भी अतीत का वो दाग तो उसके साथ रहेगा ही, जबकि उस रिश्ते के टूटने में रीति की कोई गलती नहीं थी। लेकिन अगर पोद्दार परिवार में ये रिश्ता होता है तो ये दाग धुल सकता है। पूरा मारवाड़ी समाज ये मानने को तैयार हो जाएगा कि हमारी बेटी में कोई खोट नहीं है और जो कुछ हुआ वो एक गलत फहमी थी। लेकिन इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। 5 साल पहले दोनों परिवारों के बीच खुशी से रिश्ता हो रहा था, लेकिन आज ये सिर्फ एक समझौता है। इंदिरा, पोद्दार परिवार एक संस्कारी परिवार है, आदर्शों को और नियमों को मानने वाला। सिर्फ एक बिलासी है वहां पर जिसका स्वभाव ठीक नहीं है। का तो अपने पत्नी के साथ भी बर्ताव ठीक नहीं, लेकिन पूरा परिवार मिलकर बिलासी की पत्नी का ही साथ देता है। मतलब ये कि उस घर में स्त्रियों का और बहुओं का सम्मान किया जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मुझे अपनी रीति पर पूरा भरोसा है। तुम देखना, अगर वो उस परिवार में गई ना तो सबका दिल जीत लेगी। मेरी बात मानो, मुझे तो विभोर और रीति के रिश्ते पर पूरा भरोसा है। तुमको भी होना चाहिए। इसीलिए कह रही हूं बेटा, तुम्हारे पापा को और अब मुझे भी ये पूरा विश्वास है कि रीति के लिए इससे बेहतर रिश्ता हो ही नहीं सकता। ठीक है, किसी को मेरी बात की सुनी ना, जो करना ही करो, ये रिश्ता जोड़ो और फिर जिंदगी भर रोते रहो। माँ, आप प्लीज दिव्या को माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए इनसिक्योर है। मुझे पापा के फैसले पे पूरा भरोसा है, और मैं ये भी जानती हूँ आप लोग मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। राम जी, सगाई की रस्म के लिए लड़के को बुला लीजिए। प्रभा, और बेटा यही पे तो था।